हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डायट्रिपल टू। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूं एक और नई रीडिंग, जिसमें आज हम देखेंगे कि क्या आप लोगों के बीच का जो भी रिश्ता है, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, क्या वो प्रॉब्लम्स चली जाएंगी और आपका जो भी रिश्ता है वो सुधर जाएगा या नहीं जाएगा। ये चीज़ें आज हम देखेंगे, यानी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपने पर्सन के साथ एक रीयूनियन में आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे तो कब आएंगे, ये चीजें देखेंगे। ठीक है गाइस, जनरल कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है, इन चीजों का आप ख्याल रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देख लेते हैं कि पहले आप लोगों के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है, किस मामले में रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई हैं, ये चीजें देख लेते हैं। बताइए क्या सिचुएशन चल रही है इस वक्त में, करंट सिचुएशन क्या चल रही है व्यूअर्स की, गाइड कीजिए, बताइए करंट में क्या सिचुएशन चल रही है। फोर ऑफ कप्स, द स्टार, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, बताइए करंट सिचुएशन क्या चल रही है उनकी, मेरे व्यूअर्स की और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते की करंट सिचुएशन। सिक्स ऑफ वांड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, बताइए हैंगमैन, एस ऑफ कप्स, करंट सिचुएशन क्या है, द हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक आया है डेथ, द लवर्स और द हाई प्रिस्टेस। देखिए गाइस, सबसे पहले अगर मैं एनर्जीज की बात करूं तो यहाँ ऑल साइन बेस्ड रीडिंग हो रही है, तो मैं एनर्जीज डिस्कस यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। नंबर्स मुझे यहाँ पर 2, 4 और 6, यानी कि जून, अप्रैल और फरवरी, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। किसी ना किसी तरह से आपसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे हो सकता है आपका रिश्ता 6 साल का था, उस 6 साल के रिश्ते में आप लोग 4 महीने से, 2 महीने से या 6 महीने से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, या ये हो सकता है 4 साल का रिश्ता था, 2 महीने से, 6 महीने से, 3 महीने से प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। इस तरह से नंबर्स आपसे रिलेट करते होंगे। और मंथ वाइज अगर मैं बात करूं तो जैसे आपका बर्थ मंथ, आपके पर्सन का बर्थ मंथ, आप लोग मिले थे, आप लोग बिछड़े थे, आप लोगों की एनिवर्सरी थी, आप उस मंथ में बिछड़ गए थे, उस मंथ से प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी आप लोगों के रिश्ते में, तो इस तरह से नंबर्स और ये मंथ आपसे रिलेट करते होंगे। ठीक है, सिर्फ इसीलिए नंबर्स बताए जा रहे हैं, इससे आपको आइडिया होगा कि आप रीडिंग से कितना अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग होती है, इसीलिए ये नंबर्स और ये मंथ आपको बताए जाते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे थे पहले कि आप लोगों के बीच में आखिरकार सिचुएशन चल क्या रही है। तो सबसे पहले तो देखो गाइज, हम यहाँ पर ये देखेंगे कि पास्ट से लेकर आज तक आप लोगों के बीच में आखिरकार सिचुएशन चल क्या रही है। तो मुझे सबसे पहली चीज तो ये दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन की बात करूं तो थोड़े आपसे सीक्रेट रखते हैं, काफी ज्यादा इनके राज हैं इनके दिल में, और जब आप इनके साथ रहते थे तभी भी इनके दिल में काफी ज्यादा राज थे, और आपको ये चीजें बहुत ज्यादा अजीब लगती थी। आप उनसे जितना बात करना चाहते थे, जितना अपनी फीलिंग्स उन्हें बताना चाहते थे, उतना वो आपसे हाइड करके रखते थे, यानी कि कुछ सीक्रेट्स आपके पर्सन के दिल में थे। ये चीजें आपको डिस्टर्ब करती थी, ये चीजें दिख रही है मुझे। काफी लोगों को पास्ट से लेकर आज तक के बीच में अपने पर्सन के किसी एक्स्ट्रा रिलेशनशिप के बारे में भी पता चला है, कोई राज खुला है आप लोगों के सामने, या ये पता चला है आपको कि आपके पर्सन किसी के बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड में हैं, और आपको ऐसा लगता नहीं था कि भाई वो इतने ट्रेडिशनल हैं। जब आप लोग रिलेशनशिप में थे, आप लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, डजंट मैटर, लेकिन तब आपको नहीं पता था कि आपके जो पार्टनर हैं वो इतना
फैमिली को लेकर डिवोटेड हैं, इतना ज़्यादा ट्रेडिशनल हैं, इतने ज़्यादा राज रखते हैं, या किसी और रिश्ते में हैं, किसी का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर इतना ज़्यादा है कि ये आपको एज अ ऑप्शन रख लेंगे, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, ठीक है। ये सिचुएशन के बारे में बता रही हूँ, और आपके केस में यही हुआ है। कुछ लोगों के केस में यहाँ पर आपके सामने इनके राज खुले हैं, कोई सीक्रेट्स खुले हैं जो ये आपसे छुपा कर रखते थे, कोई एक्स्ट्रा रिलेशनशिप इनका निकला है यहाँ पर। कुछ लोगों के केस में ये पता चला है आप लोगों को राज इनका कि ये फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा डिवोटेड हैं, ये मनी माइंडेड बहुत ज़्यादा हैं, इनके ऊपर इनकी फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। ये चीज़ें, ये राज आपको पता चले, चाहे आप साथ में थे तब, चाहे आप अलग रहे तब, ओवरऑल ये सीक्रेट्स खुले, ये मिस्ट्रीज आपके सामने खुली, ये चीज़ें दिख रही हैं। कुछ लोगों के केस में आप लोगों को ये पता चला कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हैं, बहुत कैरियर ओरिएंटेड हैं, उनके लिए आप इतने ज़्यादा मायने नहीं रखते हो जितना कि ये उनका कैरियर, उनका पैसा, उनका मनी माइंड, ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। यही रीज़न की वजह से आपके पर्सन ने आपके साथ जो भी रिश्ता था उसमें इन्होंने डेथ करी, उस रिश्ते की एंडिंग करी, यानी कि आप इस रिश्ते में पूरा एफर्ट कर रहे थे, पूरा प्यार दे रहे थे इन्हें, पूरा जितना आप एक रिश्ते में चाहते हो इक्वल गिव एंड टेक, जितना सपोर्ट कर सकते थे आप अपने पर्सन को उतना आप इन्हें सपोर्ट कर रहे थे, उनके इतना आप इनके साथ रिश्ते में थे, ये चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन बजाय इस प्यार के आपको आपके पर्सन ने डेथ का सर्टिफिकेट दे दिया कि ये रिश्ता आगे नहीं चलेगा, एक बुरी खबर की तरह ये आपकी लाइफ में आए, यानी कि जब रिश्ता एंड हो रहा था तो कोई बैड न्यूज़ करके आपके सामने कोई राज खुला, और वो राज ना उसने आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़राब कर दी, ये चीज़ें दिख रही हैं। क्योंकि यहाँ पे आया है फोर ऑफ पेंटिकल्स, जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन दो नाव पे तो चल रहे थे, दो सिचुएशन को एक साथ डील करना चाह रहे थे, दो ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा घिरे हुए थे, और इन्होंने कहीं ना कहीं दूसरे ऑप्शन को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी, दूसरे ऑप्शन पे ही ज़्यादा काम करा इन कंपैरिजन ऑफ यू। आपको ये खबर जो है एक बुरी खबर की तरह आपकी लाइफ में आई, जिससे आपको ये लगा कि इस प्यार की तो डेथ हो गई, जो आप इनके लिए कर रहे हो, जो चीज़ें दे रहे हो, उसकी पूरी तरह से यहाँ पे एंडिंग हो गई है, ये चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों ने तो अपने पर्सन को काफ़ी कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करने की कोशिश करी, काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश करी, अपने रिश्ते पे काम करने की कोशिश करी, लेकिन इन्होंने आपकी एक भी कॉल, एक भी टेक्स्ट का जवाब नहीं दिया, और अगर जवाब दे भी रहे थे तो बहुत रूडली आपसे बात कर रहे थे, ये चीज़ें दिख रही हैं। यानी कि ओवरऑल आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप में कोई दिलचस्पी नहीं है, ऐसा ही आपको शो करने की कोशिश कर रहे थे, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, ठीक है। बेसिकली आपके पर्सन आपको ये दिखा रहे थे कि इन्होंने आपके साथ जो भी रिश्ता है उसकी उसे पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है, पूरा भगवान को दे दिया है, अब ये कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने आपको ऐसा दिखा दिया कि मैं खुद अकेला हूँ या अकेली हूँ, मैं खुद परेशान हूँ, जो करना है खुद करो, उस तरह की एनर्जीज मुझे ज़्यादा इनकी दिखाई दे रही है, ठीक है। जो भी मैंने आपको सिचुएशन बताई है उस मामले में, आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ते में काम करने के बजाय ये तो कहीं और काम में लगे हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, किसी और चीज़ पे जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी का दिल जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे किसी एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में थे उसका दिल जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे अपने पेरेंट्स इश्यूज था तो उन्हें कन्विंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके दिल को जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई हम आपके लिए बहुत कर रहे हैं, उस तरह से दिल जीत रहे थे, ये चीज़ें दिख रही हैं। और अगर कैरियर को लेकर आप लोगों के बीच में इश्यूज था तो ऑब्वियसली अपनी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा जीत हासिल करना चाहते थे, अपने आप को टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंचाना चाहते थे और है, ये चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। आपके साथ क्या है, आप इस रिश्ते में आज भी न्यू बिगनिंग चाहते हो विद दिस एस ऑफ कप्स कार्ड, क्योंकि आप इनके लिए आज भी वही प्यार, वही फीलिंग्स रखते हो, वही भर भर के फीलिंग्स आपके दिल में इनके लिए अभी भी है, आप आज भी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और आप आज भी इस रिश्ते को एक होप बनाए बैठे हो कि चाहे आज की डेट में आप नदी के दो किनारे क्यों ना हो गए हो, चाहे कितनी भी दूरियां क्यों ना हो गई हो, चाहे इनका बहाव किसी और डायरेक्शन में और आपका बहाव किसी और डायरेक्शन में है, लेकिन अल्टीमेटली तो ये पानी, यानी कि आप लोग मिल ही जाओगे, इस थॉट के साथ
आप इस रिश्ते में एक होप बनाए बैठे हो, आप चाहते हो इस रिश्ते में रीयूनियन आ जाए, जैसे रिश्ता पहले से स्टार्ट हुआ था एक प्यार में, एक इक्वल गिव एंड टेक में, एक न्यू बिगनिंग में, उसी तरह से रिश्ता स्टार्ट हो जाए। यानी कि सोच सोच की बात मुझे दिखाई दे रही है गाइज, जिस सिचुएशन को कुछ लोग यहाँ पे डेथ की तरह देख रहे हैं, यानी कि स्पेशली आपके पर्सन के रिश्ते का डेथ हो गया है, वही आप एक इस रिश्ते में रिबर्थ देख रहे हो, ट्रांसफॉर्म देख रहे हो, न्यू बिगनिंग देख रहे हो, न्यू जर्नी देख रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये मुझे आप लोगों की करंट सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दी है। ठीक है, चलिए मेजर अरकाना से और देखते हैं क्या है आप लोगों की सिचुएशन में, ऐसी बात क्या बिगड़ी, तभी तो हम ये देखेंगे कि क्या ये सिचुएशन आपकी सुधरेगी या नहीं सुधरेगी। ठीक है, द चैरियट, टेम्परेंस, आप में से काफी लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन में हो, टू ऑफ कप्स, द लवर्स एंड द टेम्परेंस, काफी लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन में हैं, द टावर, दो कार्ड्स खुल गए, हर्मिट का कार्ड फिर से आया है एंड स्ट्रेंथ। उसके अलग देखो गाइज, मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे किसी के राज खुले हैं, और वो राज चाहे किसी तीसरे पर्सन के लिए इतने मायने नहीं रखते थे, लेकिन मेरे व्यूअर्स के लिए वो राज बहुत ज्यादा मायने रखते थे। जो यहाँ पे सीक्रेट्स खुले हैं, उन चीजों ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट करा, आपकी पूरी दुनिया उस बात ने हिला दी, सबसे पहले आपको अंदर से झंझोड़ दिया उस बात ने, ये चीजें दिख रही हैं। आप फिर भी इस रिश्ते के लिए हिम्मत जुटाए बैठे हो, वेट कर रहे हो, पेशेंसली वेट कर रहे हो अपने पर्सन का, प्रेयर कर रहे हो भगवान से, बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश कर रहे हो, जो जैसा बोल रहा है आप वो चीजें कर रहे हो, अपना पूरा एफर्ट डाल रहे हो इस रिश्ते में, लेकिन उधर आपके पर्सन विद इज द हर्मिट कार्ड, इन्होंने तो पूरी तरह से एक साधु संन्यास वाली एनर्जी में आ गए हैं, यानी कि पूरी तरह से सिचुएशन को हवाले कर दिया है भगवान के, यूनिवर्स के, डिवाइन के, जैसे कभी इन्होंने आपसे कभी प्यार करा ही नहीं हो, आपको कभी कमिटमेंट का वादा करा ही ना हो, ऐसा इन्होंने एनर्जीज बना रखी है करंट में, ये चीजें दिख रही हैं। इनके हिसाब से ये चल रहा है कि जो भी चीजें हो वो आप करो, ये तो बस बैठ गए हैं हाथ उठाकर कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, और ये चीजें आपको और ज्यादा परेशान कर रही हैं, ये चीजें आपके पर्सन का ये रवैया आपकी लाइफ में और ज्यादा उथल पुथल कर रहा है, क्योंकि आप भी करने को कोशिश बहुत कर रहे हो लेकिन हाथ पल्ले आपके भी कुछ नहीं लग पा रहा है, तो आप इन चीजों से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो। आप बहुत ज्यादा चाह रहे हो कि किसी तरह से इस रिश्ते में ना काम कर लिया जाए, मेहनत करी जाए, दोनों साइड से जब एफर्ट होगा तो आप लोग एक रीयूनियन में आ जाओगे, रिकंसिलेशन में आ जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों को कॉम्प्रोमाइज तो करना होगा। आप इस थॉट के साथ इस रिश्ते में एक होप बनाए बैठे हो, ये चीजें दिख रही हैं। ठीक है, तो गाइज ये तो करंट सिचुएशन की बात हो गई, अब हमारा सवाल आता है कि क्या ये सिचुएशन जो है, क्या जिस जो ये सिचुएशन आपके रिश्ते में आई है, कि ये सुधरेगी या नहीं सुधरेगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले मूनोलॉजी डेस्टिनी से देखते हैं। गाइड कीजिए, से बताइए क्या ये जो भी सिचुएशन है मेरे के सामने वो सुधरेगी या नहीं सुधरेगी। गाइड कीजिए, मुझे बताइए। वन टू थ्री फोर, एंजल्स के माध्यम से देखते हैं आप लोगों के बीच की ये जो भी सिचुएशन चल रही है। वन सुधरेगी या नहीं सुधरेगी, टू थ्री फोर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या क्या आया है। लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सजिटेरियस, हैव अ फेथ इन योर ड्रीम, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, यस कम्युनिकेट क्लियरली, रिकवरी,
द सिचुएशन विल इम्प्रूव. वेरी नाइस गाइज, बहुत ब्यूटिफुल कार्ड्स आए हैं. तो मैं आपके सामने सिचुएशन बता चुकी हूँ और यहाँ पे एंजल्स के थ्रू बताया जा रहा है कि ये जो भी करंट सिचुएशन पास्ट से लेकर अभी तक जो आप लोगों के बीच में सिचुएशन आ रही है वो पूरी तरह से इम्प्रूव हो जाएगी. यस का कार्ड आया है, आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होगा ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है. कम्युनिकेशन होने के बाद ही आप लोगों की चीज़ें सही होंगी. आप चीज़ों आपकी रिश्ते में जो भी दरारें आई हैं, जो भी कड़वाहट आई है, चीज़ें रिकवर हो जाएंगी ऐसा आपसे बोला जा रहा है. ठीक है, आपसे बोला जा रहा है बस आपको फेथ रखना है, विश्वास बनाए रखना है अपने सपनों पे जो आप देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जीज ज्यादा आई हैं. जो आप विश्वास बना रहे हो अपने सपनों के प्रति, होप बनाए हो हुए हो, तो वो चीजें आपको बनाए रखनी है ऐसा आपसे बोला जा रहा है. कॉन्फिडेंट रहना है आपको. और अगर जब आपके बीच में ये कम्युनिकेशन होगा उस वक्त भी ना अपने रिश्ते को लेकर आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंटली बात करनी है ऐसा आपसे बोला जा रहा है. उसके अलग यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे. आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी बोला जा रहा है कि आपकी जो सिचुएशन है ना उस मामले में आपको अगर किसी चीज को लेकर, मतलब ट्रस्ट एक अलग चीज होती है और एक ओवर कॉन्फिडेंस एक अलग चीज होता है. जैसे यहाँ पे है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस. तो आपको यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है. ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से ना चीजें खराब हो जाएंगी ऐसा बोला जा रहा है. वो कहीं ना कहीं आपके रास्ते में रोड़ा पड़ सकता है आपका ओवर कॉन्फिडेंस, तो ऐसा बोला जा रहा है. बस आपको ये बोला जा रहा है ये जो भी सिचुएशन है ना आपको इसे अलग नजरिए से देखने के लिए बोला जा रहा है. जो भी सिचुएशन हुई है उसे एक पॉजिटिव वे में देखिएगा, चीजें उसी तरह से उसी फ्लो में होंगी ऐसा बोला जा रहा है. ठीक है, ओवरऑल चीजें यहाँ पर सॉल्व होंगी. कॉन्फिडेंट रहना है आपको, सिचुएशन पूरी तरह से इम्प्रूव होगी और इम्प्रूव होने के साथ साथ यहाँ पे तो आप लोगों के बीच में बातचीत भी होगी ऐसा बोला जा रहा है. ठीक है, अब देखिए पहले देखते हैं रोमांस एंजल्स से. रोमांस एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपके रिश्ते के बारे में. बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, चलिए गाइड कीजिए यूनिवर्स. बताइए रोमांस एंजल्स से क्या पता चलता है मेरे व्यूअर्स किस रिश्ते के बारे में. गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए. चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन. हो सकता है काफी लोगों के यहाँ पे बच्चे हों इसीलिए यहाँ पे चिल्ड्रन का कार्ड आया है. तो आपसे बोला जा रहा है आपकी ये जो भी सिचुएशन चल रही है ना इससे कहीं ना कहीं आपके बच्चों पर भी इफेक्ट पड़ रहा है. तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है, इन चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना है. एटलीस्ट उनके सामने आपको खुश रहना है, उन्हें प्यार देना है, उनका उनके ऊपर ना अपने पर्सन का गुस्सा नहीं निकालना है ऐसा आपसे बोला जा रहा है. ठीक है, This could be the one you have already met the romantic partner you seek. तो देखो गाइज यहाँ पे बहुत सारे सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन के कार्ड्स आए हैं जो बता रहे हैं कि आप लोग एक ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन में हो, एक सोल जर्नी में हो आप लोग ऐसा बोला जा रहा है आपसे. ठीक है, ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम. जिन लोगों का सोलमेट कनेक्शन नहीं है तो उन लोगों का प्यार सच्चा है. स्पेशली जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका प्यार बेहद ज्यादा सच्चा है अपने पर्सन के लिए ऐसा यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है. तो देखो गाइज इन तीनों कार्ड से तो बिल्कुल पता चलता है कि आपका आप दोनों के बीच का जो भी रिश्ता है ना वो सुधरेगा. Calling in your soulmate. Again soulmate का कार्ड आया है guys. Your prayer, affirmations and visualizations help bring you together. आपसे बोला जा रहा है आप जो भी पॉजिटिव रह रहे हो, जो भी पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज कर रहे हो, जो भी प्रेयर कर रहे हो, जो भी विजुलाइज कर रहे हो, वो सब चीजें ना आप लोगों को साथ में लाने का काम कर रही हैं. तो आपसे यही चीजें करने के लिए बोला जा रहा है. आप लोगों का रिश्ता सुधरेगा चाहे किसी भी तरह की सिचुएशन क्यों ना आप लोगों के बीच में आई है. जो हमने ये देखा कि क्या क्या परेशानियां आप लोगों के रिश्ते में आई है वो सब चीजें सही हो जाएंगी ऐसा बोला जा रहा है. फिर आप लोग तो एक सोल जर्नी में हो तो फिर कैसे चीजें सही नहीं होंगी. इस थॉट के साथ आपको पॉजिटिव रहना है. ठीक है, चलिए समय और देख लेते हैं कि कब तक आप लोगों के बीच की ये जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी. ठीक है, गाइड कीजिए ना से बताइए कब तक ये चीजें इम्प्रूव हो जाएंगी. जस्टिस, वेरी नाइस. गाइड कीजिए ना से बताइए कब तक मेरे व्यूअर्स की ये सिचुएशन सुधरेगी. गाइड कीजिए
द लवर्स। देखो गाइस यहाँ पे ना द लवर्स का कार्ड दो बार आप लोगों की रीडिंग में आया है, और इनफैक्ट ट्रू लव ये सब कार्ड्स तो है ही हैं सोलमेट कनेक्शन के, ट्रू लव के। तो आप में से काफी लोग एक सोल जर्नी में हो और इसीलिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं, काफी चीजें। देखिए ये सोलमेट द लवर्स, टू द लवर्स का कार्ड, टू ऑफ कप्स ट्रू लव का कार्ड है। तो आप लोगों का जो प्यार है एक दूसरे के प्रति वो बहुत सच्चा है, ऐसा बोला जा रहा है। इस रिश्ते में जो भी सिचुएशन चल रही है ना वो सुधरेगी, अगेन यस यस के लिए बताया जा रहा है। बात आती है समय की, तो देखिए गाइस मुझे 6 दिन से लेकर 6 हफ्तों के अंदर आप लोगों की सिचुएशन काफी ज्यादा सुधरते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि एक प्रोसेस पे चलते हुए दिखाई दे रही है। अगर अभी तक चीजें रुकी हुई हैं, एकदम स्टॉप हुई हुई हैं और चीजों में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर 6 दिन 11 दिन और 6 हफ्ते ये मुझे समय दिखाई दे रहा है। सबकी अलग अलग सिचुएशन है तो ऑब्वियसली अलग अलग समय लगेगा, लेकिन चीजें बिल्कुल सही हो जाएंगी। यस ये रिश्ता बिल्कुल सुधरेगा और इस रिश्ते में आप लोगों के बीच में बातचीत भी होगी, कम्युनिकेशन होगा, वो भी क्लियरली। आप दोनों इस रिश्ते में एक दूसरे से क्या चाहते हो ये चीजें आप लोगों के बीच में आएंगी, ठीक है, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिली हो, आपको कोई हेल्प मिली हो। अगर आपको रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिलती है, आपको हेल्प मिलती है, तो प्लीज बताइएगा जरूर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छी अच्छी रीडिंग्स और नए नए टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके टाटा बाय।